नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश चौहान यूट्यूब गाजीपुर फंडर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग के सामने लाए हैं स्कैबोमा लोशन। तो इस लोशन का कार्य क्या है, मैं सारी जानकारी आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले जो लोग दांत, खाज, खुजली, लाल चकत्ते, लाल दाने से परेशान होंगे वही लोग इस दवा का यूज कर सकते हैं। और दवा भी यूज करना है आपको गर्दन से नीचे, यानी कि अगर आपके जांघ में जांग वाला हिस्सा हो या कमर वाला हिस्सा हो, मतलब जो भी हिस्सा है गर्दन से नीचे वाले हिस्से पे आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं एक लोशन के रूप में। तो यहाँ नीचे लिखा गया है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्केबीज एंड पेडिक्यूलोसिस। स्केबीज होता क्या है, जैसे एक घुन होता है जो हमारे त्वचा के अंदर घुस जाता है और खुजली पैदा करता है, उसको ये मारने का काम करता है दवा। और पेडिक्यूलोसिस जो कि एक परजीवी होते हैं जो कि चिल्लर, आप लोग नाम सुने होंगे कि फलाने आदमी को चिल्लर पड़ गया है, तो वही परजीवी होते हैं जिसको ये मारने का काम करता है दवा। और उसके साथ साथ जो जू हो जाते हैं वो जू को भी ये मारता है, और उसके साथ साथ हमारे त्वचा में दांत, खाज, खुजली आदि समस्या को भी समाप्त करने का कार्य करता है। तो इसको लगाना कैसे है इस दवा को, तो सबसे पहले आपको जब भी आप स्नान करते हैं, स्नान करने के पश्चात आप अच्छे से तौलिए से पोछ लीजिएगा अपने बाड़ी को। बाड़ी पोछने के बाद जब आपका त्वचा सूख जाएगा उसके बाद इस दवा को लोशन की तरह लगाइएगा, पतला लिप लगाइएगा, ज्यादा मोटा मत लगाइएगा, और अच्छे से हाथ धो लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा पॉइजन टाइप होता है जो कि जाने से, मुंह के अंदर जाने से आपको कुछ दिक्कत हो सकता है। तो ऐसा कार्य न कीजिएगा और बच्चों के पाँव से दूर रखिएगा। नीचे यहाँ पे लिखा गया कीप आउट ऑफ रीच चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों के पाँव से आपको दूर रखना है। और इसे 5 साल के ऊपर ही, 5 साल के ऊपर के जो बच्चे होंगे उन लोग को ये दिया जा सकता है और इसको लगा सकते हैं अगर इस समस्या से परेशान होंगे, क्योंकि दांत, खाज, खुजली या जो चमड़ी संबंधित जो समस्या होती है जैसे फंगल इन्फेक्शन होते हैं, ये संपर्क में आने से ज्यादा फैलते हैं। जैसे स्कूल में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए या भीड़ भाड़ वाले स्थान पे जहाँ भी लोग ज्यादा रहते हैं वहाँ ये सब होता है, इसके वजह से ये फैल जाता है। तो आपको अच्छे तरीके से यूज करना है इसको। और यहाँ पे लिखा गया है फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन ओनली, नॉट फॉर यूज, नॉट फॉर ओरल यूज, यानी कि यह दवा पीने के लिए नहीं है, केवल बाहर से लगाइए। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा गया, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है सेक वेल बिफोर यूज, यानी कि जब भी इस दवा को आप उपयोग करते हैं आपको इसको हिला लेना ऐसे ऐसे करके। जब इसको हिला लेंगे तो ये दवा क्या हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी। डाइल्यूट होने के बाद ये मिल जाएगी, आप इसको लगा सकेंगे। और यहाँ पे इसमें कंपोजिशन दिया गया है गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका जो कंपोजिशन है, और ये लिंडेन लोशन के नाम से है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 50 ml अप्रोक्स दिया गया है और ये काफी रेप्यूटेड कंपनी का ये मैन्युफैक्चर्ड है, ग्लेनमार्क कंपनी है, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, आप लोग देख सकते हैं। इसका मार्केट प्राइस आप लोग यहां देख लें, 60 रुपये रखा गया है, जो कि पहले इस दवा का रेट था 58 रुपये, अब ये दवा का दाम बढ़ गया है और ये 60 रुपये का हो चुका है। और ये एक्सपायरी तिथि से पहले ही इसको यूज कर लेंगे आप लोग, एक्सपायर होने से पहले आप लोग इसको यूज कर लेंगे, क्योंकि इसका उत्पादन के 3 साल तक इसका एक्सपायरी डेट होता है। तो आप लोग इसके बीच में अगर इसको यूज कर लेते हैं तो सही है। और मैंने जैसे आपको बताया लगाने का तरीका, आप उसको लगाइएगा जैसे जांग वाला हिस्सा हुआ, अगर वहां पे आपको दांत, खाज, खुजली हो गया हो, और गर्दन से नीचे कहीं भी आप लगा सकते हैं। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों के पाँव से आप लोग दूर रखें, बच्चे लोग इसको न छुपाएं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पॉइजन होता है जो कि हमारे बॉडी पे जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसको मारने का काम करता है ये। तो बच्चे अगर इसको गलती से मुंह में डाल लेंगे तो हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए। और जब भी इस दवा को लें अपने डॉक्टरी सलाह से ही लें, अपने डॉक्टर संपर्क करें, अपने फार्मासिस्ट से बात करें, अगर कोई समस्या होने पर डायरेक्टली आप जो है कि डॉक्टर संपर्क करें और उसका निदान पाएं। और वीडियो अगर अच्छा लगा आप लोग को तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो नए यूजर मेरा चैनल देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देंगे। जय हिंद, धन्यवाद।